पूरा फोकस रखेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर, जिस पर आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी है। हालांकि रिपोर्ट पेश किया जाना मुश्किल लग रहा है, जिस तरीके से लंबा वक्त सर्वे के लिए लिया गया, ये कहा जा रहा है कि अभी और वक्त वकील मांग सकते हैं, और यही वजह है कि आज रिपोर्ट पेश नहीं होगी, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सर्वे में जिस तरीके से अब ये मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वजू खाने में वो जो आपको एक बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो दरअसल एक फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो दरअसल एक शिवलिंग है। और इसी विवाद को लेकर दरअसल दोनों पक्ष अब आमने सामने आ चुके हैं। अब ये विवाद जल्द तो नहीं थमने वाला, ये इंतजार करना होगा कि इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया। जो लंबे वक्त तक चला सर्वे, उसमें दरअसल वीडियोग्राफी भी की गई है, स्टिल फोटोज भी क्लिक की गई है, और कई और ऐसे साक्ष्य हैं जो इस रिपोर्ट के साथ पेश किए जाएंगे, तब इस रिपोर्ट को देखकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट फाइल की जानी थी, लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और ये तकरार अब लंबी चलने वाली। पर जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे, देखिए आज ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सभी दर्शकों तक आज तक साझा कर रहा है। देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी, चूंकि आज पेश करना था 17 मई है। अदालत ने डेडलाइन दी थी कि 17 मई तक सर्वे करके आप आज अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक मिश्रा का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या खबर, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर निकल के आ रही वो ये है कि आज 17 मई का समय दिया गया था इस रिपोर्ट को दाखिल करने का, लेकिन जिस तरीके की खबर आ रही है उससे साफ लगता है कि आज ये रिपोर्ट जमा नहीं हो पाएगी। सहायक वकील आयुक्त जो है अजय सिंह, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि रिपोर्ट जो है वो फिलहाल तैयार नहीं हो पाई है और न्यायालय में दूसरी तारीख के लिए आज जो है एप्लीकेशन दी जाएगी। यानी कि जिस तरीके से हमने पहले भी बात कही थी कि आज की संभावना कम नजर आ रही थी, 3 दिन तक ये सर्वे चला था और उसके बाद में अब इसकी पुष्टि होती साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने समय तक ये सर्वे चला उसमें कई सैकड़ों फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, कई घंटों की वीडियोग्राफी है, एक रिपोर्ट का कंपाइलेशन है, और कल जिस तरीके से शिवलिंग का मिलना हुआ कहीं ना कहीं उसने इस पूरे सर्वे को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से अब पुष्टि मिलती है, रिपोर्ट जो कि 17 मई तक दाखिल होनी थी वो आज नहीं होने की संभावना है, और ऐसे में कोर्ट में अगली तारीख के लिए कोर्ट कमिश्नर की तरफ से आज एप्लीकेशन दी जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन का समय और लगेगा जब इस रिपोर्ट को दाखिल किया जाएगा। अभिषेक, इसकी वजह क्या होगी? क्या सर्वे पे और टाइम चाहिए, पूरा हो चुका है सर्वे, या फिर उसमें और आखिर किस वजह से ये देरी होगी? क्योंकि कोर्ट ने तो पहले बोल दिया था कि आप सर्वे 17 मई से पहले निपटा लें और इस रिपोर्ट को हमारे सामने 17 मई को पेश करें।
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये सर्वे हुआ, शुरुआत में हमने देखा था कि 8 से 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। पहले दिन सर्वे हुआ, उसके बाद दूसरे दिन सर्वे हुआ, और चूंकि सर्वे में समय लग रहा था, बहुत माइन्यूट डिटेलिंग में ये पूरा सर्वेक्षण किया जा रहा था, तो तीसरा दिन भी लिया गया और तीसरे दिन में 1.5 से 2 घंटे का ये सर्वे हुआ और उसके बाद में कल ये सर्वे पूरी तरीके से खत्म हुआ है। लेकिन एक बात साफ नजर आई, क्योंकि जिस तरीके की चीजें एक एक करके बाहर आ रही थी, चाहे हिंदू पक्ष का लगातार दावा हो श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के, नंदी के मुख्य सामने शिवलिंग को लेकर के, और कल जो शिवलिंग की बात कही जा रही है, जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर के जब हिंदू पक्ष कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसकी सुरक्षा प्रदान कर दी, उसको घेरे में कर दिया है सुरक्षा के, और इसके साथ ही साथ वह नमाजियों के केवल 20 लोगों को अनुमति, 5 लोगों को एक साथ बैठने की अनुमति दी गई। यानी कि इस तरह की चीजों से साफ नजर आ रहा है कि इस रिपोर्ट में कई ऐसी चीजें हैं जिसको विस्तार देने की जरूरत है, और इसीलिए शायद इस समय लिया गया है जल्दबाजी में रिपोर्ट दाखिल करना, क्योंकि मामला संवेदनशील है। और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्षों की सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है, आज 1 बजे के करीब उसमें सुनवाई होनी है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे सर्वे को लेकर के कोर्ट कमिश्नर पूरी मुस्तैदी के साथ शायद काम कर रहे हैं, और जिस तरीके का समय मांगा गया है उसे यही लगता है कि अब रिपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार करने और जितनी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई उसके एक एक डिटेल को पुख्ता तौर पर शामिल करने के लिए शायद इससे समय लिया गया है। लेकिन आज की तारीख चूंकि मुकर्रर थी पहले से, लेकिन आज की जो संभावना है वो लगभग खत्म हो चुकी है, और आज उम्मीद यही है कि नई एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी और कोर्ट से समय मांगा जाएगा। जी ठीक है, अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ी हुई है। देखिए आपने वहां पर अर्पिता बहुत सारे जानकारों से, विशेषज्ञों से जो पुरातत्व को समझते हैं उनसे बातचीत की है, एक वीडियो के आधार पर ये तय करना कि वो दरअसल शिवलिंग है या फिर वजू खाने का फव्वारा है, इसमें काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकती है, और शायद यही वजह है कि आज रिपोर्ट दायर नहीं की जाएगी, इसके लिए वक्त मांगा जाएगा। बिल्कुल, देखिए कई बातें छनकर सामने आ रही हैं, अपने अपने दावे हैं, जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग मिला, वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार कर रहा है वो डे वन से जब से सर्वे करने टीम गई है। लेकिन विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं वो साफ तौर पर 2-3 बातें कह रहे हैं। जो फुवारा होने का दावा जिक्र किया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो फुवारा है दरअसल, लेकिन उसको वो सिरे से नकार रहे हैं। 83 फीट की दूरी वो बता रहे हैं नंदी से उस जगह की जहां पर शिवलिंग बरामद हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो पश्चिमी एरिया है वहां पर भी वो चाहते हैं कि वहां भी सर्वे हो, ये याचिका भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी। तो अपने दावे तो यहां पर हो ही रहे हैं। विष्णु जैन ने भी बकायदा जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है उसकी प्रमाणिकता उन्होंने अपने फोन पर भी दिखाई कि किस तरीके से वो पूरा एरिया जब वहां का पानी उस तालाब का हटाया गया जहां पर जो फव्वारे जिस जगह की जिक्र आप कर रही हैं, उन्होंने कहा कि फव्वारे की पूरे निकासी के लिए पानी की सप्लाई के लिए जगह होना चाहिए, लेकिन वो वैसा प्रबंध दिख नहीं रहा, इसलिए वो कह रहे हैं कि फव्वारे की जो थ्योरी दी जा रही है वो गलत है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं जब वहां से पानी हटाया गया तो वहां शिवलिंग बरामद हुआ है। अब फिलहाल ये सारी बातें और स्ट्रांग तरीके से रखी जा सके इसलिए देखिए अब जितनी वीडियोग्राफी हुई है, लंबा वक्त लगा क्योंकि आप सोचिए 3 दिन ये सर्वे चला है और कितनी जगह पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, अब सबकी एक रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद ये देना था कोर्ट में। लेकिन अब वकील ये कह रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। वो कह रहे हैं जितनी जल्दी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उतनी जल्दी वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी।